इंडिया टीवी आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है शब्द माण का। पीएम मोदी ने अहमदाबाद की साइंस सिटी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 20 साल पहले गुजरात पर आर्थिक संकट था, 2001 में भूकंप आया, बैंक कॉम्प्लेक्स हो गए और सारे के सारे गोधरा की घटना हुई, लेकिन इस दौरान हमारी सरकार चुनौतियों से निपटी, मुझे गुजरात और अपने गुजरात के लोगों पर भरोसा था। जो भूकंप आया उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अकाल और भूकंप के अलावा उसी समय गुजरात में एक और बड़ी घटना हुई, माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कॉलेप्स हो गया। इसकी वजह से 133 और कोऑपरेटिव बैंक्स में ये तूफान छा गया। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात का फाइनेंशियल सेक्टर संकट में आ गया था। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था, मेरे लिए ये भूमिका भी नई थी, शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घट गई, गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल थी शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बताया कि उनकी सरकार आने के बाद गुजरात की तस्वीर बदली। मोदी ने कहा कि गुजरात का विकास नेशनल विजन के तौर पर किया गया। 21वीं सदी में गुजरात एग्रीकल्चर पावर हाउस बना, फाइनेंशियल हब बना, गुजरात की एक नई पहचान बनी। हम गुजरात का विकास भी नेशनल विजन के तहत कर रहे थे। साथियों, 20वीं शताब्दी में हमारा गुजरात, हमारी पहचान क्या थी? हम एक ट्रेडर स्टेट के रूप में जाने जाते थे। एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे, बीच में जो भी दलाली मिले उसे गुजारा करते थे, ये हमारी छवि थी। लेकिन 20वीं सदी की उस छवि को छोड़ करके 21वीं सदी में गुजरात ट्रेड के साथ एक एग्रीकल्चर पावर हाउस बना, एक फाइनेंशियल हब बना और एक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में उसकी एक नई पहचान बन गई। इसके अलावा गुजरात की ट्रेड बेस्ड रेप्यूटेशन भी काफी मजबूत। इन सभी के पीछे वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों की सफलता है, जो आइडिया, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज के इंक्यूबेटर की तरह काम कर रहा है। हमारे पास पिछले 20 वर्षों के हजारों सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज है। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग और एफिशिएंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन से यह संभव हो सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए, भारत ने दी है। हर भारतीय को तीर्थ स्थलों पर गर्व होना चाहिए। कौन ऐसा भारतीय होगा जो केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता? हर भारतीय को अयोध्या में भगवान राम की परंपरा पर गौरव करना चाहिए, गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि दुनिया को सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद हमने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। दुनिया के अंदर विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए,
ये भारत ने दिया, इस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हमें अपने तीर्थों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये तीर्थ वास्तव में जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, ये केवल धर्मस्थल नहीं है, सामान्य भौतिक चक्षु से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए वो एक धार्मिक स्थल हो सकता है, लेकिन अगर आप विराट दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास करेंगे, ज्ञान चक्षु खोल करके अगर आप उसको देखने का अवलोकन करेंगे, तो आपको लगेगा कि केवल ये मंदिर नहीं है, ये धाम नहीं है, बल्कि यह तो भारत की एकात्मता का आधार भी है। पूरा भारत इन मंदिरों में आता है, यहां से प्रेरणा प्राप्त करता है, यहां से प्रकाश प्राप्त करता है, एक नई दिशा प्राप्त करता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो जीवन में एक बार गंगा स्नान करने की इच्छा न रखता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने की अभिलाषा न रखता हो? कौन ऐसा भारतीय होगा अगर वह राजनीतिक संकीर्णता के किसी दायरे में कैद होकर के नहीं है, तो जिसको अयोध्या में भगवान राम की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो, जिसको भगवान श्री कृष्ण की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो? और मुझे लगता है हर भारतीय को करना चाहिए। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी और अमित शाह दोनों घबराए हुए हैं, जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है और मामा जी को 19.5 साल तक बहनों की याद नहीं आई। शिवराज ये मामा भाई वाली नौटंकी कर रहे हैं। ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। मैंने आज मेरे कुछ लोगों ने फोन किया कि वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के, लेकिन क्या होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कितना ही वो लोग कर लें। अब लाडली बहना, अरे 19.5 साल बाद आपको बहना याद आ रही है, लाडली बहना, तब तो क्या करते रहे? लाडली बहना के पतियों के बच्चों के, वो जब बिजली के बिल की वसूली ने लोगों की कुड़की की, तब मामा जी को अपनी भांजियों पर दया नहीं आई, अपनी बहनों के जीजा जी पर दया नहीं आई, उनको जेल भेज दिया। ये फर्जी जो है ना, मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, ये सब नाटक नौटंकी है। इन्होंने ना भाई की मदद की ना बहना की मदद की।